जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक संस्कृति धार्मिक सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने वाला देश है, जहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपने त्योहार मनाते हैं। सबका अपना अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, लेकिन वो सब एक साथ मिलकर के चलते हैं। कुंभ मेला आपने बहुत सुना होगा, और उसमें से सबसे ज्यादा जो उत्सुकता रहती है वो रहती है नागा साधुओं को लेकर के। कुंभ मेला होता है और लाखों की संख्या वहां पर पहुंचती है मेले में स्नान करने के लिए, और सबसे ज्यादा जो विदेशों से लोग आते हैं वो नागा साधुओं को देखने के लिए आते हैं। उतनी ही दिलचस्पी बढ़ जाती है कि आखिर नागा साधु क्या करते हैं, कैसे नागा साधु बनते हैं, वो कैसे तपस्या करते हैं कि अपना पूरा जीवन इस तरह से अध्यात्म में मिला करके, और वो इस तरह से अपना जीवन समर्पित करते हैं, और पूरी अपनी जीवनी उनका, जिसे कहते हैं कि आकाश से उनका वस्त्र होता है, उनका घर होता है। नागा साधुओं का रूप, नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मले निवस्त्र रहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं भी आकर्षण का केंद्र रहती हैं। कुंभ मेले में वैश्यपंथी नागा साधुओं को देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। नागा साधुओं की रहस्यमय जीवन शैली और दर्शन को जानने के लिए विदेशी श्रद्धालु ज्यादा उत्सुक रहते हैं। कुंभ के सबसे पवित्र शाही स्नान में सबसे पहला जो स्नान का अधिकार होता है वो उन्हें मिलता है, नागा साधुओं को। इनकी वेशभूषा, जैसे कि आप जानते हैं कि नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मले निवस्त्र रहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं भी आकर्षण का केंद्र रहती हैं। हाथों में चिल्लम लिए और चरम का आकाश लगाते हुए इन साधुओं को देखना अजीब लगता है। मस्तक पर आड़ा भभूत लगा रहता है, तीन धारी तिलक लगा करके, धूनी रमा करके, नग्न रह करके और गुफाओं में तप करने वाले नागा साधुओं का उल्लेख पौराणिक गाथाओं में भी मिलता है। ये वो लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, नागा साधु लोग। कैसे बनते हैं व्यक्ति, कैसे व्यक्ति बनते हैं नागा साधु? नागा जीवन की विलक्षण परंपरा में दीक्षित होने के लिए वैराग भाव का होना जरूरी है। संसार की मोह माया से मुक्त कठोर दिल वाला व्यक्ति ही नागा साधु बन सकता है। साधु बनने से पूर्व ही ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से ही अपना ही श्राद्ध और पिंड दान करना होता है। अखाड़े किसी को आसानी से नागा रूप में स्वीकार नहीं करते, बकायदा इसकी कठोर परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचार, वैराग, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुख से परखे जाते हैं। कठोर परीक्षा से गुजरने के बाद ही व्यक्ति सन्यासी जीवन की उच्चतम तथा अत्यंत विकट परंपरा में शामिल होकर के गौरव प्राप्त करता है। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। नागा साधु आखिर वस्त्र क्यों नहीं धारण करते? शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सन्यासी संघों का गठन किया था, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए। कालांतर में सन्यासियों के सबसे बड़े संघर्ष जूना अखाड़ा में सन्यासियों के एक वर्ग को विशेष रूप से सशस्त्र अस्त्र में परागत करके संस्थागत रूप प्रदान किया गया। आज संतों के 13 अखाड़ों में संत सन्यासी अखाड़े शैव अपने अपने नागा साधु बनाते हैं। ये जूना महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा है। आचार्य शंकराचार्य द्वारा सन्यासियों की पहले से ही चली आ रही है परंपरा को जब संगठित किया तो उसे नाम दिया दशनामी साधु संघ। दीक्षा के समय प्रत्येक दशनामी, जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, निम्न नामों गिरी, पुरी, भारती, वन,
अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम या सरस्वती से किसी एक नाम से आप भूषित किया जाता है। दशनामी साधुओं में मंडलेश्वर और नागापद होते हैं। उनमें भी वस्त्रधारी और अवस्त्रधारी महंत होते हैं। शस्त्रधारी शस्त्रों आदि का अध्ययन कर अपने आध्यात्मिक विकास करते हैं तथा अस्त्रधारी अस्त्रादि कुशलता प्राप्त करके करते हैं। चार आध्यात्मिक पद होते हैं इनमें, कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा चार परमहंस। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नागाओं में सहस्त्रधारी नागा अखाड़ों के रूप में संगठित हैं। इसके अलावा नागाओं में घसौड़ी, अभूत, अवधूत, महंत, कपलिक, शामचानी आदि भी होते हैं। नागा उपाधियां क्या है, तो इनमें भी अगर हम बात करते हैं तो चार जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हम अलाहाबाद में जो कुंभ उपाधि पाने वाले को एक नागा, उज्जैन में दो खूनी नागा और हरिद्वार में तीन बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे ये पता चल पाता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। अब इसी तरह से इनकी बात होती है कि नागा नागाओं की पद क्या है, तो इनमें पद की अगर हम बात करें तो नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वीरता के आधार पर ही पद दिए जाते हैं। कुतवाल, पुजारी, बाड़ा कुतवाल, भंडारी, कुठारी, बाड़ा कुठारी, महंत और सचिव, उनके पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। इस तरह से ये जो नागा होते हैं तो उनकी पद, उनकी उपाधि इस तरह से होती है।